यहाँ खिड़की खोल दिया, ये खिड़की खोल दिया, ये खिड़की खोल दिया, पीछे डिक्की भी खोल के रख दिया, सारा खोल दिया, रूफ भी खोल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज वेकेशन की बात, पहला दिन है ड्यूटी में, तो अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। और आप सबको पता है मेरा ड्यूटी कहाँ है, दुबई मॉल में, और वहाँ जाके मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो लेकर चलते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह खाने को। बिस्किट्स काफ़ी है, बिस्किट्स इज इनफ। और लेमन भी लेते हैं, लेमन 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 लेमन, आई लव दिस वन लेमन। कितना रश है ना, मॉर्निंग आवर्स है ना, सभी लोग ड्यूटी जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं दुबई मॉल। हाँ, दुबई मॉल तो जा रहा हूँ फिलहाल। ये है दुबई मॉल का मेट्रो स्टेशन, जैसे बुर्ज खलीफा भी बोलते हैं, बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन भी बोलते हैं, या फिर दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ से लगभग 15 मिनट या 20 मिनट मान लो मुझे चल के जाना है अंदर, हालांकि बाहर नहीं चलना है, अंदर ही अंदर जाना है, मॉल के अंदर से होकर जाना है। एंड मैं अपना जॉब जहाँ काम करता हूँ वहाँ डेस्टिनेशन जाके मिलते हैं आपको। ठीक है, क्रिसमस देख सकते हैं। राइट में है बुर्ज खलीफा, आपका बैक साइड में है दुबई मॉल, और मेरा जॉब लोकेशन है ये। मेरा जो बॉस है वो यहीं पे रहता है, उसका रेजिडेंट यहाँ है। तो मैं फ़िलहाल डेस्टिनेशन में आ गया हूँ, जहाँ काम करता वहाँ आ गया हूँ। ऊपर जाएंगे, बॉस का गाड़ी का की लेके आते हैं। तो बसंती का चाबी ले लिया, हाय हाय हाय, एक महीना लगभग 20 दिन के बाद। चलो चलते हैं अपना बसंती के पास, बैग वगैरह रखते हैं, फिर चलो। अपना जॉब तो गाड़ी चलाना है, तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरा गाड़ी हुई ना, तो मेरा गाड़ी को थोड़ा साफ़ सुथरा है कि नहीं देखते हैं, नहीं है तो करते हैं। तो ये है अपना बसंती। ऐश नीट एंड टाइट है वैसे भी। वैसे गाड़ी तो सफर रखा है थोड़ा, एक बार राउंड अप करना जरूरी है ना, देखना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे बसंती बीमार तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरे बगल में है टेस्ला, और ये है रेंज रोवर। सारा अमीर लोग बैठते हैं यार। चलो देखते हैं एक बार खोल के क्या है, साफ सुथरा एक राउंड मारते हैं, अगर नहीं तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद बॉस ने बताया कि आज जाना है अबू धाबी। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जाते वक्त कुछ दिखा सका तो ठीक, नहीं तो अबू धाबी जाके जाके अबू धाबी जाके मिलते हैं। ओके गाइस, तो अबू धाबी पहुँच गया, और ड्यूटी का पहला दिन ही अबू धाबी का ट्रिप लग गया यार। 2 महीना डार्लिंग से दूर था यार मेरा, बसंती से बहुत मिस कर रहा था। खैर अभी आ गया वापस, बॉस को यहाँ पे ड्रॉप किया है ये ऑफिस में, अबू धाबी एग्जीक्यूटिव ऑफिस लिखा है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ। ये सुनने में आया है कि वो क्या कहते हैं, शेख का ऑफिस है बोल रहा था ये। अभी आपको पता होगा वो तो शेख ऑफिस है या नहीं है, गूगल मार लो। फिलहाल अबू धाबी में आ गया, और सुबह ब्रेकफास्ट के नाम में बस एक बिस्किट्स और लेमन ही पिया था यार। भूख तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे रेस्टरूम जाना है, तो रेस्टरूम कहाँ मिलेगा, रेस्टरूम ढूंढते हैं। उससे पहले मुझे
अभी गाड़ी आ रखा ना तो पार्किंग डालना होगा, वो कॉइन से डालना होगा क्योंकि ऑनलाइन मैं नहीं पे करना जानता। ये से पूछते हैं कैसे पे करते हैं। बेहद गर्मी है, डिक्की में बैठना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठेगा तो और गर्मी होगा। ऐसे खुलना पड़ेगा, तो ऐसे खुल के क्यों तेल वेस्ट करना है ना। तो डिक्की में बैठ जाता, क्या मस्त चिल हवा आ रहा है। और आज लंच भी नहीं लाया और ब्रेकफास्ट में भी कुछ खाया था, केक्स वगैरह। अभी बिस्किट खाते हैं, बिस्किट है, बिस्किट खाएगा। पानी है, लंच और बिस्किट। तो वैसे मैंने बहुत सारा खरीद के लाया है, अलग अलग टाइप के बिस्किट ले आया है। और आप सबको वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए बुक्स भी है। और ये माय फेवरेट बोले तो लेमन लेमन है। तो बस लैपटॉप लाया है साथ में, टाइम मिलने से एडिट करने के लिए। तो फिलहाल मैं करूँगा अपना लंच, बिस्किट, वाटर एंड लेमन एंड अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट। चलिए अपना तो लंच की टाइमिंग हो गया, फिर मिलेंगे बात को। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, मरने वाला हूँ। टाइम कितना हुआ, लगभग 1 बजने को है और दोपहर है, तो आप ऑब्वियसली गैस कर सकते हो कितना गर्मी होगा। देखो कितना वो है, धूप है ना, मौसम पूरा एकदम बढ़िया सा हुआ है, क्लियर है। बहुत गर्मी लग रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ खिड़की खोल दिया, ये खिड़की खोल दिया, ये खिड़की खोल दिया, पीछे डिक्की भी खोल के रख दिया, सारा खोल दिया। रूफ भी खोल देना था मगर धूप सीधा शक्ल में लग रहा है तो रूफ बंद किया हुआ है। बाकी सारा दरवाज़ा खुला है, उसका क्या कहते हैं, विंडोज़ खुला है, पीछे का डिक्की खुला है और मस्त सो रहा, चिल हवा आ रहा है। क्योंकि बंद करने से बहुत गर्मी हो रहा था, एसी लगाने से फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेवजह फ्यूल क्यों खर्चा करना, बस जुगाड़ करो, सब खिड़की खोल दो और मजा से हवा खा के सोते रहो। एटलीस्ट शक्ल में तो धूप नहीं लगेगा, ये इस दिन डाक लेते ना। ये अच्छी बात है कि इसमें ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा है और उसके ऊपर है ग्लास, तो ग्लास का गर्मी भी कपड़ा ने रुकाता है। तो वेट करते हैं अभी बॉस का आने का, बॉस कब आएगा नहीं पता। सुबह लगभग हम लोग कितना वहाँ से कितना 2 घंटे में पहुँचा, मतलब हम निकले थे 9 बजे 10 11 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे, तो 12 1। अभी बॉस को मीटिंग में गया हुआ, 2 घंटा ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता बॉस कब आएगा। शायद बॉस जल्दी भी आ जाए, या शायद शाम 5 6 बजे भी लगे, रात का 10 बजे लग सकता है। सो आपने को मस्त गाड़ी में सोने गए, अभी मिलते हैं जब दुबई जाएंगे, तो बाय, सोता हूँ फिलहाल मैं। ओके, ये है आपका अबू धाबी बस स्टेशन और हम यहाँ से टैक्सी से निकल रहे हैं दुबई के लिए। और आज मैं पहला दिन था वेकेशन के बाद, उम्मीद करते हैं शायद 2 दिन मेरा फिर से छुट्टी हो जाए क्योंकि बॉस यहाँ अबू धाबी में ठहर रहा है। होटल गजब का था यार, होटल का नाम क्या था बोले तो, होटल का नाम था अंदाज कैपिटल, जो कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, वो हट के एक होता है वो यार। जस्ट मेरा फोन आया। सो गाइस, आ गया अपना घर बोले तो अपना फ्लैट फिर से। सुबह गया था लगभग मैं कितना 7:30 8 बजे, टाइम कितना हुआ देख लो। सुबह गया था 8 बजे और अभी फिर से शाम का लगभग 8 बज गया है, 8:30 हो गया, मतलब 12 घंटा ड्यूटी। और 12 घंटा मैं अबू धाबी जा कर आ गया। अबू धाबी बोले तो दुबई से अबू धाबी जाना मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने का है। मज़े की बात ये है कि वेकेशन के बाद आज मेरा पहला दिन था और गुड न्यूज़ ये है कि फिर 2 दिन छुट्टी है मेरे को, क्योंकि मेरा बॉस जो है अबू धाबी में रह गया और मैं बाय टैक्सी आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।